कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते दिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सियासी पंडितों की माने तो पायलट आला कमान से मुलाकात कर राज्य की कमान अपने हाथों में लेने की कवायद में जुटे हैं। हालांकि मुलाकात के बाद पायलट का कहना था कि भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई है और आगे जो भी जिम्मा दिया जाएगा उस पर काम होगा। तो चर्चा हुई है और संगठन के चुनाव भी आप जानते हैं चल ही रहे हैं, उस प्रक्रिया पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में जो राजस्थान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैंने फीडबैक दिया, उस पर चर्चा की है। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार की एक परिपाटी बनी हुई है, लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं, उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। भले ही पायलट अभी खुलकर अपनी रणनीति पर बात ना कर रहे हों, लेकिन पायलट कई बार सुप्रीमो के सामने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और खबरें तो ये भी हैं कि कांग्रेस आला कमान भी सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं पायलट के नाम पर चर्चाएं इसलिए भी तेज हैं क्योंकि पिछले 2 साल में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में राहुल के करीबियों में सिर्फ पायलट ही बचे हैं, लिहाजा पार्टी बदलाव के तौर पर पायलट पर मोहर लगा सकती है। वहीं पायलट की इन मुलाकातों से स्वयं गहलोत बेफिक्र नजर आ रहे हैं। गहलोत के करीबी नेताओं का कहना है कि पायलट जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता सब जानती है। दूसरी ओर पायलट से पहले सीएम गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और मिशन 2023 पर बात की थी। जानकारों की माने तो पार्टी पायलट को फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है और अगर ऐसा होता है तो पायलट एक बार फिर चुनाव का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले 2018 में भी पायलट के नेतृत्व में ही पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन पायलट सीएम पद की रेस में पिछड़ गए और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। फिलहाल इन मुलाकातों का क्या परिणाम निकलता है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।